दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल RD एजुकेशन में। दोस्तों 19 दिसंबर को भारत और विश्व में कई घटनाएं हुई जिनका इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज है, और आप सभी ने इतिहास के विषय में बहुत सी ऐसी ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में पढ़ा होगा जो 19 दिसंबर के बारे में होंगी। तो आइए हम जानते हैं देश और दुनिया के इतिहास में, यानी आज के दिन 19 दिसंबर को क्या क्या हुआ, कौन कौन सी घटनाएं घटी, किन किन के जन्म निधन हुए और उत्सव के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं 19 दिसंबर की महत्वपूर्ण घटनाओं से। किंग हेनरी द्वितीय 19 दिसंबर 1154 में इंग्लैंड के सम्राट बने थे। अमेरिका ने 19 दिसंबर 1842 में हवाई को प्रांत के रूप में मान्यता दी। अमेरिका में मौसम विज्ञान सोसाइटी की 19 दिसंबर 1919 में स्थापना हुई। जर्मन सीरियल किलर फ्रिट्स हार्मोन को हत्या की एक श्रृंखला के लिए 19 दिसंबर 1924 में मौत की सजा सुनाई गई थी। उत्तर प्रदेश ऑटोमोबाइल संघ की 19 दिसंबर 1927 में स्थापना हुई थी। महान स्वतंत्रता सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और रोशन सिंह को 19 दिसंबर 1927 में अंग्रेजों ने फांसी दे दी थी। जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने 19 दिसंबर 1941 में सेना की पूरी कमान अपने हाथ में ले ली थी। 19 दिसंबर 1961 में गोवा स्वतंत्र हुआ था। ऑपरेशन विजय के तहत भारतीय सैनिकों ने 19 दिसंबर 1961 में गोवा के बॉर्डर में प्रवेश किया था। ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो से 19 दिसंबर 1983 में फुटबॉल के फीफा विश्व कप की चोरी हो गई थी। चीन एवं ब्रिटेन के मध्य 19 दिसंबर 1984 में 1997 तक हांगकांग चीन के वापस करने संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। अमर्त्य सेन को 19 दिसंबर 1998 में बांग्लादेश ने मानद नागरिकता से नवाजा, और डेनवर में आयोजित विश्व विकलांग स्कीइंग में शील कुमार सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित हुए। 443 वर्षों तक पुर्तगाली उपनिवेश में रहने के बाद 19 दिसंबर 1999 में मकाऊ का चीन को हस्तांतरण। ऑस्ट्रेलिया ने 19 दिसंबर सन 2000 में वेस्ट इंडीज को हराकर लगातार 13वां टेस्ट मैच जीता था। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 19 दिसंबर 2003 में कश्मीर समस्या को संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों के तहत हल करने की पाकिस्तान की मांग छोड़ने का स्वागत किया। अफगानिस्तान में 3 दशक बाद 19 दिसंबर 2005 में लोकतांत्रिक पद्धति से चुनी गई देश की पहली संसद की पहली बैठक आयोजित की गई। शैलजा आचार्य को 19 दिसंबर 2006 में नेपाल ने अपना भारत में नया राजदूत नियुक्त किया। टाइम पत्रिका ने 19 दिसंबर 2007 में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को पर्सन ऑफ द ईयर के खिताब से नवाजा था। कैनरा बैंक, HDFC व बैंक ऑफ राजस्थान ने 19 दिसंबर 2008 में आवास ऋण सस्ता करने की घोषणा की थी। पार्क ग्यून है 19 दिसंबर 2012 में दक्षिण कोरिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। मानवाधिकारों के लिए संघर्ष करने वाले अमेरिकी नेता मार्टिन लूथर किंग सीनियर का जन्म 19 दिसंबर 1899 में हुआ था। भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध चरित्र अभिनेता ओम प्रकाश का जन्म 19 दिसंबर 1919 में हुआ था। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का जन्म 19 दिसंबर 1934 में हुआ था। पूर्व क्रिकेटर नयन मुंगिया का जन्म 19 दिसंबर 1969 में हुआ था। ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट खिलाड़ी एवं कप्तान रिकी पोंटिंग का जन्म 19 दिसंबर 1974 में हुआ था। अमेरिकन फुटबॉल के खिलाड़ी जेक प्लमर का जन्म 19 दिसंबर 1974 में हुआ था। अमेरिकन अभिनेता जेक गाइलन हाल का जन्म 19 दिसंबर 1980 में हुआ था। 1848 से 1856 तक भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी का निधन 19 दिसंबर 1860 में हुआ था। महान स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं बल्कि उच्च कोटि के कवि, शायर, अनुवादक, बहुभाषविद व साहित्यकार राम प्रसाद बिस्मिल का निधन 19 दिसंबर
1927 में हुआ था। भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी अशफाक उल्ला खां का निधन 19 दिसंबर 1927 में हुआ था। भारत की आजादी के लिए संघर्ष करने वाले क्रांतिकारियों में से एक ठाकुर रोशन सिंह का निधन 19 दिसंबर 1927 में हुआ था। ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित और प्रसिद्ध गुजराती साहित्यकार उमा शंकर जोशी का निधन 19 दिसंबर 1988 में हुआ था। लेखक और गांधीवादी पर्यावरणविद अनुपम मिश्र का निधन 19 दिसंबर 2016 में हुआ था और 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये था 19 दिसंबर का इतिहास और 19 दिसंबर की महत्वपूर्ण घटनाएं।